आज की वीडियो में आपको आलिया भट्ट के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद से ही वो खूब चर्चा में रहती हैं, और अब आलिया भट्ट जब भी कहीं कहीं बाहर स्पॉट की जाती हैं, आलिया भट्ट की मैटरनिटी लुक और आलिया भट्ट को लेकर फिर से चर्चा होने लगती है। रिसेंटली आलिया भट्ट को एक बार फिर से करण जौहर के ऑफिस में स्पॉट किया गया, जहां पर आलिया भट्ट के साथ अयान मुखर्जी भी थे। आलिया भट्ट की मैटरनिटी लुक एज ऑलवेज पॉइंट पर थी। ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट ने नेटिजंस की बातों को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और अब वो काफी कंफर्टेबल शूज में नजर आती हैं और उन्होंने हील्स पहननी छोड़ दी हैं। आलिया भट्ट ने ब्लू कलर का फ्रॉक टॉप पहन रखा था और बहुत ही क्यूट लग रही थी, और उनका बेबी बम भी काफी विजिबल होने लग गया है। आलिया भट्ट के फेशियल एक्सप्रेशन और लुक्स की बात करें तो आलिया भट्ट बिल्कुल नो मेकअप लुक में थी, लेकिन आलिया भट्ट काफी ज्यादा थकी और काफी ज्यादा लो दिखाई दे रही थी। ऑल दो प्रेगनेंसी में वैसे भी इंसान काफी लो फील करता है, लेकिन अगर आलिया भट्ट के बारे में बात की जाए तो आलिया भट्ट बैक टू बैक वर्क में ही बिजी हैं। आलिया भट्ट इस समय अपनी फिल्म की प्रमोशंस में बहुत ज्यादा बिजी हैं और वो फिल्म्स के लिए डिफरेंट इंटरव्यूज, डिफरेंट प्रमोशंस, डिफरेंट जगहों पर विजिट करती दिखाई दे रही हैं, और इस बैक टू बैक काम की वजह से आलिया भट्ट काफी फटीग फील करती हैं और इसलिए उन्हें कुछ समय रेस्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन इस समय वो रेस्ट लेने की कंडीशन में नहीं है और वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। उनकी मैटरनिटी लुक्स की बात करें तो उनकी मैटरनिटी लुक्स बहुत ज्यादा कूल और चिक होती हैं। आलिया भट्ट मोस्टली ट्राई करती हैं कि वो ओपन बैगी कपड़े पहने ताकि उनका बेबी बम ज्यादा फील ना हो, लेकिन जब दिन भी उनका बेबी बम थोड़ा सा भी फील होता है, ये भी एक न्यूज बन जाती है। ऑल दो आलिया भट्ट इस पे पहले ही एड्रेस कर चुकी हैं कि वो नहीं चाहती कि इस तरह की कोई भी न्यूज बने, और वो चाहती हैं कि उनके काम को फोकस किया जाना चाहिए, ना कि प्रेग्नेंट आलिया भट्ट और इस तरह की बातों को। आप आलिया भट्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।